होली के त्योहार का आरंभ सतयुग में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार के समय हुआ। प्रहलाद के पिता असुर राज हिरण्यकश्यप ने तपस्या कर भगवान ब्रह्मा से ये वरदान प्राप्त कर लिया कि वे न तो पृथ्वी पर मरेगा, न आकाश में, न दिन में, न रात में, न घर में, न बाहर, न अस्त्र से, न शस्त्र से, न मानव से मरेगा और न ही पशु से। इस वरदान को प्राप्त करने के बाद वे स्वयं को अमर समझकर नास्तिक और निरंकुश हो गया। वे चाहता था कि उसका पुत्र नारायण की आराधना छोड़ दे, परंतु प्रहलाद इस बात के लिए तैयार नहीं था। हिरण्यकश्यप ने उसे बहुत सी प्राणांतक यातनाएं दी, लेकिन वे हर बार भगवान विष्णु की कृपा से बच निकला। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वे आग में नहीं जलेगी। अतः उसने होलिका को आदेश दिया कि वे प्रहलाद को लेकर आग में प्रवेश कर जाए, जिससे प्रहलाद जलकर मर जाए। परंतु होलिका का ये वरदान उस समय समाप्त हो गया जब उसने भगवान भक्त प्रहलाद का वध करने का प्रयत्न किया। होलिका अग्नि में स्वाह हो गई, परंतु नारायण की कृपा से प्रहलाद का बाल विकाका नहीं हुआ।